पापा मम्मी कहाँ गए छोटू? घर ही गए। देखो आपको दिखाई पड़ रहा है क्या? हम नहीं हैं 100 बीघे वाले किसान, हम नहीं, छोटे सीमांत किसानों की बात करते हैं। दीपावली के बाद, मतलब अक्टूबर नवंबर के बाद में। नमस्कार मित्रों, आज आपको एक अच्छा सा ब्लॉग दिखाएंगे, मतलब यार खीरा ककड़ी करते हैं उनका लाइफ स्टाइल दिखाएंगे। हाँ अभी तो घर पर हूँ, मतलब मम्मी नहीं है, तो हमने कहा चलो आज ब्लॉग ही शूट कर लिया जाए। तो भाई अब चलते हैं। हाँ भाई मछली दिखाते हैं तुमको, मोटी वाली है, नहीं मोटी निकलने दे बाहर। जाय मोटी यार, जाय दिखाई दे तुमको, जाय रे मोटी, दो तीन है। ये देख लो कौंची है, भाई का कमाल है भाई, देख रहे हैं मछली। ये सब तुम्हारी बाहर निकल जा रही है, मोटी 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 दिखाते भाई, मोटी कितनी है बउआ, मुंह फैलाओ भाई, देख रहे हैं। तब धूप है, 1 बज गए करीब, तब जाएगी इनका मछली नहीं मिली, लेकिन हाँ ये प्योर हैं ऑर्गेनिक तरीके से। यार हाथ महकने लगे हैं, मछली पकड़ी ना इससे भाई। सर हम खाते रहे हैं, मतलब ठीक है, भक्त नहीं कि यहाँ छुए ना, छू लेते हैं देख लेते हैं, लेकिन खाते नहीं यार। खाते खा पहले एक दो बार खाई है यार, मतलब मछली हम खाते हैं यार तो हमारा पेट नहीं भरता है, यूँ कहें कि यार मन नहीं भरता, मतलब खा लो मछली छी खा लो, मछली या चिकन विकन कुछ खा लो, तो अंदर से यही फिर लगे थे कि यार कुछ अपराध कर दिया है, तो इसी वजह से फिर खाना हम बंद कर दिया हमने, कहीं छोड़ा। लेकिन हाँ कहीं मछली पकड़ी जाती हो या कहीं कोई बाजार है, अबे तो ना, हम यार जब छोटे थे ना, हम अपने नानी के यहाँ रहते थे, तो एक हमारे नानी के गाँव के बगल में एक बिरियागाड़ा बाजार है, तो वहाँ पता हम बाजार में कुछ भी लेना हो नहीं लेना होता रहे, तब भी हम जाते रहन तो मछली देखन, वहाँ मार्केट है यहाँ मछली लगती रहें बाजार में, और वो काफ़ी बड़ी बड़ी होती रहें, तो मछली देखने के शौकीन तो हम छोटे से रहें, इसीलिए भैया आपको दिखा दिया रास्ते में मार रहे थे। और हाँ चल रहे यार आज कटरी, तो भैया यार चलते चलते हमको लगी है प्यास, तुमको दिखाते हैं एक किसान ज़बरदस्त वाला किसान की दोपहर में यहाँ पेपरमिंट सींच रहे हैं। है लाला खचा तुमका देखा ना हम सीन डारी हो करी थोड़ी देखे यार, पानी पी रहे हैं। ओ हो बहुत ठंडा है यार, एकदम फ्रीज। लोग हैं बैठे रहे घामों के तीज हो रहे रहे पूरा मनाई मार। ओ का है डीजल कंपनी का यार, डीजल नहीं गए हुआ डीजल कंपनी। तो भाई यार घूमते घूमते अब आ गए यार, पता कहाँ रेत आ गए, करीब यार 3 बज गई गया है, और आज रेत आए हैं। अब आज के बाद आपको 1 साल बाद ये रेत देखने को मिलेगा यार, ये खीरा ककड़ी वाला, क्योंकि अब ये ख़त्म होने वाला है, तो आज हमने कहा चलो इनसे पूछ लेते हैं। अब देख रहे आज इनके अम्मी पापा ना हैं, दोनों बच्चे बच्चा सींच रहे हैं। कह रहे भैया तुम्हारी दोनों लोग सींच रहे हो? पापा मम्मी कहाँ गए छोटू? घर ही गए। और तुम लोग सींचे दे रहे हो? अब उजारे भी बैठ है कि नहीं?
देख रहे भाई ये है अभी छोटा बच्चा है बताओ, और खेती किसानी कर रहा है। हाँ और बहुत से लोग यार इतने इतने बच्चे हो जाते थे कहेंगे अले अले मोले मुन्ना ले ले खा ले वो का नाम यार याद नहीं आ रहा कॉम्प्लेन। भाई देख रहे हैं कॉम्प्लेन खाने वालों में और यहाँ गांव के लड़कों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है यार मतलब। तो चलो यार भाई जैसे कि यार खत्म होने वाला ही है जैसे खीरा ककड़ी वाला रेत, तो चलो यार इनसे लोगों से पूछते हैं चल के कि ये खीरा ककड़ी करने में कितना वक्त लग जाता है। अगर मैं अपने मुंह से बताऊं तो मेरे हिसाब से करीब 7 से 8 महीने इनको यहीं मतलब खेतों में मड़ैया डाल के यहीं पे मतलब अपना राशन पानी गोरू हराहा मतलब हमारे भाषा में कहें सब कुछ यहीं रखते हैं। तो चलो यार आज हम खुद आपको इन्हीं लोगों से हम पूछेंगे, आप लोग सुनो मतलब कितने वक्त लगता है, और हाँ देखेंगे चल के क्या क्या व्यवस्था रखनी पड़ती है यार। जैसे आप जिस खीरे को ककड़ी को आप खाते हैं अपने घर में हरी सब्जियों को बनाते हैं तो उनको पैदा करने के लिए यहाँ लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको एक बार दिखाते हैं। हाँ भाई इधर आ जाओ। तो भाई जैसे कि यार हम तुमको बता रहे थे आओ बैठ आगे आ जाओ। हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ। तो जैसे आपके यार हम बता रहे रहन कि खीरा ककड़ी लौकी तुरई और क्या काबू क्या करेला करेला तुरई सब चीज। हाँ तो भाई आपसे बता रहे थे कि यार पैदा करने में तो भौजी आ रही का। हाँ ठीक। तो कितना वक्त लगे थे कितनी मेहनत लगे तो आज ये खुद अपने मुँह से बताइए। अच्छा भौजी कब आई रहो यहाँ मतलब रेत में यहाँ रेत में हो रही के यहाँ मार्च में यहाँ अप्रैल मई जून बिया कब रखो रहा बिया कार्तिक में यहाँ तो कार्तिक कर बताओ ना। हाँ, कार्तिक में बिया रखा है। कार्तिक मतलब जब दीपावली ना घर। हाँ हाँ बाद हाँ हाँ दीपावली के बाद मतलब अक्टूबर नवंबर के बाद में यानी दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तो करीब 6 महीना हो गए। 6 महीना हो गए तो भाई इनको लोगों को पता 6 महीने यहाँ पर हो गए हैं। अब क्या हो जी 6 महीना हो गया अब रोज तो घर जाना नहीं है। अब कहाँ रोज जाएगी। एक बार इनसे मिला ना है इतनी दूर 1.5 किलोमीटर है यहाँ तेरे घर भाई। और 8-10 अठारह दशा जाती हैं बात कर रोज जाए तो रोज जाओ तो वहाँ दिक्कत होती है। आप जाओ कहीं है कुछ करो नहीं मिलना कई टोरे मिलना कुछ। हाँ और ककड़ी काम ऐसा है कि दिन में एक दिन शाम शाम टूटना है दिन में पानी कितना लगा दीवा पानी लगना तो घरे का करेंगे बताओ। खाना पीना सब ही है। मोबाइल कैसे चार्ज करती हो ऊर्जा सौर ऊर्जा तेरे। हाँ सब सुविधा संग है भाई सब कुछ है सब A to Z देखो शीशा रखा है शीशा लाली बिंदी सब दिखा दो ये भाभी हमारी लाली बिंदी है माँ सब कुछ रखा है यार मतलब जहाँ रहना है तो का माँ सब कुछ रहता है। आओ दिखाए तुमको देखो ये है सिलेंडर गैस सब कुछ है भाई दिख रहा है आपको दिखाई बढ़ रहा है क्या यही है यार लाइफ इनकी। और बहुत लोग यार जब ज्ञान कसम से बता रहा हूँ यार गुस्सा जब मुझे आती है यार जब कोई ज्ञान पेलता है मतलब यार उस चीज़ को समझो यार किसी चीज़ का समझने की प्रयास करो। हालांकि यार हमारे नहीं है ये हमारा रेत नहीं है हमारी गांव की भाभी जी हैं उन्हीं का है तो यार दिखाना हमने कहा आपको दिखा दें एक बार कि कैसा क्या इनका लाइफ। और हाँ और हाँ हाँ देखो उनके लिए ये अपना कुत्ता भी पाल रखे हैं देखो इसकी भाग जा कहाँ यार जा रहे हो यार तुमका मरीबत है वो देखो पड़ा एक जो तो कहीं जाते रहे अरे रंदे रंदे बांधे पर रंदे इनका जुड़ो लग रहा है। तो भाई ये लाइफ अब तुमको दिखा दें इनके जानवर देख रहे हैं भाई ये इनके जानवर हैं यहीं कटरी में रखती हैं और ये अगर मतलब अपने चारा पानी के रहा इंतजाम है और यह खटिया पड़ी है मतलब यहाँ एक लोग यहाँ जानवर नहीं रहेगी यही हमारे परत है आपके यहाँ पता है यार जानवर वानवर गाँव से हमारे चोरी वोरी हो जाते हैं कई बार अब वहीं करीब हो गए हैं
10-15-20 दिन। एक हमारे गांव में आजाद है, उनकी बकरिया को चुरा ली गया था। तो भाई ये खटिया परी है स्पेशली जानवर रखाने के लिए यहाँ पर। यहाँ हालांकि वो मड़ैया तिरपर्थ ही हैं, लेकिन यहाँ भी बहुत जरूरी है यार। तो भाई यही है लाइफ स्टाइल। तो हम यूँ कहें इसको कि खीरा ककड़ी करने वालों की क्या लाइफ स्टाइल होती है। तो आपको हमने वो दिखा दी है, अभी और भी दिखाएंगे और बातें करेंगे। और हाँ देखो तुमको एक दिन हमने इंजन दिखा रहा है भाई, ट्रैक्टर पर उतरते ना तो यही रहा है वो वाला इंजन, यही इंजन नया। ये इनके खीरा ककड़ी हैं भाई, काफ़ी में इन्होंने किए थे, यहाँ से ऐसे लगा के यहाँ तक, ऐसे वहाँ तक है। इधर ये कदुआ दुआ है। और हाँ इनका सामान मतलब यार जो मतलब आम जीवन में ज़रूरत पड़ती है, खाने पीने रहने, मतलब जो देखे ये दवाई वाली मशीन रखी है, सब कुछ है। ये भाई मछली वाला यार है जो कभी कभी खा ही लेते हैं। कहाँ चार्ज रखी है, सुरुजा रखा है। लेकिन हम अभी आज गायन बहुत घमाए। हाँ घमाने का 1 बजे गए निकले हैं। अच्छा तो पैदल ही है। हाँ पैदल ही। तो गाड़ी तो कहाँ जाओ। नहीं गाड़ी तो हमें मन है, हम कई गाड़ी तो होते मर्जी हो तो कहो इसी चले जाए। हाँ, हाँ, मर्जी को इसी चलो, गाड़ी रास्ता हाँ, रास्ता चलते तब वही हमारे नाला गाड़ी। तो भाई यार अब चल रहे हैं घर, आपको रेत दिखा दिया। और हाँ भाई मेहनत, मैंने कहा कि बहुत मेहनत है इसमें खेती किसानी में, और ऐसा नहीं कि खेती किसानी में मेहनत है यार, हर मतलब जो फिजिकली काम करेंगे यार, या आप कहीं काम कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, या आप कुछ बेच रहे हैं यार, मेहनत अगर पैसा मतलब होता ना मेहनत वाला कमाएंगे तो मेहनत तो है ही है यार। लेकिन मेरी खोपड़ी जब खराब होती है, जब कोई बंदा ये आके कह देता है कि तुम लोग तो तुमको तो झपझटी मिल रही है, तब मेरा माथा बहुत गर्म हो जाता है, कसम से बता रहा हूँ यार। हम नहीं हैं 100 बीघे वाले किसान, हम नहीं हैं, हमारे पास नहीं है ट्रैक्टर सब कुछ गाड़ी वगैरह, मतलब हम छोटे सीमांत किसानों की बात करते हैं जो मतलब कम साधन उनके पास होता है लेकिन किसानी फिर भी करते हैं, समझ रहे हैं। और अगर जो कोई नौकरी भी करता है भाई, अगर हम उनसे कह दें कि तुमको भी तो बोनस मिलता है 1 महीने का फ्री, नहीं मिलता है यार, वो भी नहीं फ्री होता है। हमने भी काम किया यार, 3 साल काम किया मैंने एक्सपोर्ट लाइन में हरियाणा में। तो ऐसा नहीं यार, मुझे मतलब नौकरी का भी एहसास है काम करने में, सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 8-9-10-11 बजे तक 12-14 घंटे मैं भी ड्यूटी किया हूँ यार। अब खाना हाथ पने बनाओ, पड़े हाथ कपड़े खींचो, और फिर घर की याद आए, सब कुछ यार झेला यार मैंने। लेकिन हम ये नहीं कहते कि खाली किसानी में मेहनत कर रहा है यार, हर कोई अपने अपने फील्ड में मेहनत कर रहा है। लेकिन यार कुछ ज्ञानी मेरा माथा खराब कर देते हैं, तुमको सब्सिडी मिल रही, हर किसी पर छूट मिल रही, इनकम टैक्स फ्री हो यार, इन भाइयों को कैसे समझाया जाए यार, हम लोग इनकम टैक्स से फ्री हैं, वाह शाबाश। तो यार ऐसे लोगों को समझाना मुश्किल है मेरे हिसाब से। और हाँ एक बात और, कई को लोग यार कहते हैं कि यार रोहित भाई तुम यार बनिया लोगों पे मतलब सॉरी मतलब ये बात सब नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कि तुम नाराज रहते हो, ऐसा नहीं है यार। वो भी 3-4 प्रकार के होते हैं। एक हमारा भाई होता है जो सुबह मंडी से सब्जी लेता है और अपने रेडी पर फुटकर दिनामान बेचता है, समझ रहे हैं। एक बनिया उस प्रकार का होता है, 2-3 प्रकार के बनिया होते। मैं उस वाले बनिए की बात करता हूँ जो कि बड़ी मात्रा में माल को खरीद कर रोकता है, ब्लैक करता है, और फिर जैसे ही बाजार गर्म होती है उसको और गर्म करता है बाजार को, जब तक माल नहीं निकालता है मार्केट में, जब तक मार्केट में उस चीज की आग न लग जाए, जब आग लगती है फिर वो निकालता है, फिर उसको पैसा मिलता है पोड़ा। और यार इस चीज़ पे हमारी गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए, मतलब ये सब मतलब इसको क्या कहते हैं जमाखोरी पर लगाम लगानी चाहिए। लेकिन यार सब ऐसे ही सब चल रहा है मामला, किसान का माल आता है सस्ता हो जाता है, किसान के माल पास माल ख़त्म फिर महंगा। अब की बार हमारे यहाँ ना मकाई एकदम बहुत तगड़ी है, मतलब यार इधर इधर पीछे मतलब हर जगह यार मक्का का, अब की बार हमारे यहाँ बेहिसाब से मक्का हुई है, क्योंकि यार मक्का में फ़ायदा होने लगी है। जय राम का है बुढ़ाई दादा, मूँगफली निकाल रहे हो। चलते चलते भाई लोग यार हमारी मूँगफली एकदम देख ले यार, ये हमारी यार है मूँगफली, गेहूँ काट के रे बवाई है बटाई, देख रहे भाई। अब बस यार निकालने के यहाँ है, अब बटैया के रे पिताजी ख़त्म हो गए रहे, तो आज तेरही ख़त्म हो जाए, फिर के बाद में यार निकवावन हो। हाँ भाई, तो भाई यार आएगा घर, हमारी भैंसिया हमारे देख रही, पता भाई कहीं मरे, अब यार भूखी है
तो भाई यार हम इसको चारा करेंगे यार। और हाँ यार, हमको याद आया हमारे यहाँ बोटिंग होने वाली है 13 मई दिन सोमवार। अरे भगवान यार, बहुत दूर है। 13 मई दिन सोमवार को बोटिंग होने वाली है। तो मेरे प्यारे मित्रों, बताइए कि मेरा बोट किसको जाएगा। अब ये सब लोग पार्टी कर रहे हैं, देख रहे सब। जहाँ तुम हमारे गांव में है, अगर तुम यही समय तो 4-6-10 आदमी है कहूँ ना कहूँ बैठे मिले हैं, बस इलेक्शन की बात है। अच्छा फलाने वहाँ जा रहे हैं, अच्छा वही वही पार्टी में जुड़े हैं। तो भाई आज के लिए बस इतना ही है भाई, फिर मिलते हैं। देखो कब मिलते हैं, 1-2 दिन में तो हो ही जाएगा, 2-3 दिन। हाँ भाई, तो बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।